नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। सोमवार को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी भी की गई, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। G20 सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में हो रहा है। G20 की बैठक 22 मई से 24 मई तक जम्मू कश्मीर में होनी है। वही जन्मभूमि है जहां पर पर्यटक नहीं जाया करते थे, जाते भी थे तो बड़ी कम संख्या में। यह वही जम्मू कश्मीर है जहां फिल्म की शूटिंग तक नहीं हो पाती थी। यह वही जम्मू कश्मीर है जहां पर पहले आतंकवाद बोलता था, जहां दहशतगर्दों की संख्या की कोई गिनती नहीं थी, यहां तक कि जो प्रायोजक पत्थरबाजों की भी संख्या ज्यादा थी। यह वही कश्मीर है जहां जाने से पहले लोगों के सामने आतंकवाद, दहशतगर्द और पत्थरबाजों की अलग अलग तस्वीर बन जाती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। बदलाव की बार यहां इतनी तेजी से बह रही है कि आप साफ तौर पर इसे देख सकते हैं। कश्मीर में हो रहे G20 बैठक के चलते एक, दो या तीन नहीं बल्कि 20 देशों के प्रतिनिधि यहां बैठक कर रहे हैं। वैसे तो G20 की बैठक देश के कई अलग अलग शहरों में होनी है, लेकिन उसमें से जम्मू कश्मीर एक खास और अहम भूमिका निभा रहा है। इस बैठक में सोमवार को पर्यटन, फिल्म, संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस बैठक में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं होंगी। सोमवार 22 मई को G20 की इस बैठक में केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में 3 दिवसीय कार्य समूह की बैठक के लिए सबसे बड़ी संख्या में G20 प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया। हालांकि कुछ देश रसद कारणों से नहीं आ पा रहे। 22 से 24 मई तक होने वाली तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों का श्रीनगर पहुंचना शुरू हो गया। इस मौके पर सोमवार को अभिनेता रामचरण पर्यटन कार्य समूह की बैठक के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए पर्यटन पर पहले पक्ष के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कुछ जादू है। मैं 1986 में यहां कई बार आ चुका। मेरे पिता फिल्मों की शूटिंग के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग आया करते थे। मैं खुद शूटिंग के लिए 2016 में यहां आया था। इसके बाद उन्होंने डेलीगेट्स के साथ अपनी फिल्म RRR के मशहूर गाने नाटू नाटू पर डांस किया। उन्होंने कहा, हम कश्मीर से प्यार करते हैं। यह कितनी खूबसूरत जगह है। G20 बैठक के लिए यह सबसे अच्छी जगह चुनी गई है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले परिदृश्य को दिखाने का मौका है, जो पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साये में था। पहले कश्मीर में जब कोई बड़ा इवेंट होता था तो पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान किया जाता, लेकिन आज फर्क यह है कि कश्मीर में सब कुछ खुला हुआ है। यह बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को खुद देखने का मौका देती है। आप खुद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पेश तस्वीरों से इसकी तुलना कर सकेंगे। कश्मीर के युवा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाएं कि हम अपने बच्चों के साथ अन्याय न कर सके। G20 के भारतीय समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले प्रतिनिधि देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। हमने अब तक 118 से ज्यादा बैठकें की। उधर पीएम मोदी ने एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के नेताओं से कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन घड़ी में काम आए, जिसे विश्वास पात्र समझा जाता था। वे जरूरत के समय हमारे साथ खड़े नहीं रहते। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री चीन का परोक्ष जिक्र करते हुए यह बात कह रहे थे। मोदी ने कहा कि भारत चुनौतीपूर्ण समय में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ खड़ा रहा। वे भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को फिजी और पापुआ न्यूगिनी के सर्वोच्च सम्मान से हाल ही में नवाजा गया। अब ऐसे में कश्मीर में हो रही G20 की बैठक को देश और कश्मीर के विकास के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही नए आयाम पैदा होंगे, इस बात पर भी बात कही जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। और भी रोचक खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल।